कुछ साल पहलां दी गल है, मेरे किसी सज्जन ने मैनू सवाल किया कि रब ने इन्ना कुछ पैदा किया है भी उहदी गिणती कोई नहीं, किन्ना पसारा है, किन्नियां जूनां हन, बहुगिणती है, असंख है। तो मैनू आखण लगा भी मेरे मन दे विच सवाल यह है कि रब इन्ना सारयां दा लेखा जोखा किवें करदा होवेगा, सारयां दे कर्म माड़े चंगे, दान पुन, नाम जपण वालियां दे, पापियां दे, जो भी जीव जंतु हन, सारयां दा हिसाब किताब किवें रखदा होवेगा, यह मेरी समझ विच नहीं आउंदी। तो मैनू सवाल करदिआं होइआं कहिण लगा तुहानू आउंदी है, जे तुहानू आउंदी है तो मैनू समझा दिओ। उहदी इस गल नूं सुण के, इस सवाल नूं सुण के कि परमात्मा दीआं परमात्मा ही जाणे, जिन्हें रचना रची है वह बेहतर जाणदा है, एक सज्जन होण दे नाते मैं भी एक फर्ज समझदिआं होइआं सोचिआ भी क्यों ना इहनूं कोई दलील दे के समझाउण दा जतन किया जाए। उस वेले मैं उहनूं एक सवाल किया भी तेरे कोल मोबाइल फोन है? कहन लगा हाँ है। फिर दूजा सवाल मैं उन्हें यह किया विच सिम है? कहन लगा हाँ है। तो नाल ही लगे हथी मैं उन्हें यह भी पुछया भी दस ये नाल दियां सिमां होर किन्नियां लोगों कोल ने? तो जवाब दे विच उन्हें यह गल आखी भी जिहड़ी कंपनी की सिम मैं चला रहा ये नाल दियां एक नहीं हजारां नहीं लखां लखां सिमां ही लोग चला रहे ने ते इस कंपनी वाले ने वंडियां ने। तीसरा सवाल करदिआं होइआं मैनूं इह गल पुछी तो मैनूं इह दस भी इस सिम दे राहीं जदों तों किसी अपने रिश्तेदार नाल, किसी सज्जन दोस्त दे नाल, अपने घर माता पिता दे नाल गल करदा है तां जदों गल करन तों बाद जिन्ने मिंट गल करदा है कि कंपनी वाले उन्ने पैसे ही कटदे ने जां वध कटदे ने, जा मैनू इस गल का जवाब दे भी इस सिम दे राही जदों तू इंटरनैट की वरतों करना है, जदों उस मिले हुए डाटा दे राही तू कुछ डाउनलोड करना है नैट दे तो, कि उन्नी MB या GB ही यूज़ करना है, कि उन्ना डाटा ही तेरा कटिया जाता है, MB वरती जाती है, कि जो उस तो वध भी वरतिया जाता है, कट लेंदे हन। मेरे इस सवाल नूं समझदिआं होइआं बड़ी जल्दी विच उहने जवाब दिता, कहण लगा बिल्कुल जिन्ने मिंट गल करिए उन्ने पैसे ही कटे जाते हैं, जिन्ने GB या MB की फाइल डाउनलोड करा उन्ना डाटा ही कटिया जाता है कंपनी वालों, वध नहीं कटते। मैं कहा हाँ यो तेरे सवाल का जवाब है। जदों उन्हें आख्या मैं समझिया नहीं, इस सवाल के जवाब न समझाने वास्ते मैं उन्होंने यो दलील दिती भी तेरे फोन के जी सिम है तू दसदा है कि हजारां लखां करोड़ां यूज करते ने लोग इन वरतते ने, हजारां लोगों ने वरतों में लियांदी है, हजारां लोगों ने फोनों में पाई हुई है। जे एक कंपनी लखां करोड़ों नूं एक कनैक्शन दे के लोगों में नैटवर्क नूं फैला के, जे कोई रात नूं फोन करता करोड़ों लोगों के विचों लखां लोग रात नूं फोन करन, दिने करन, अमृत वेले करन, दुपहर नूं कर लैन, फोन करे जां इंटरनैट की वरतों करे तो कंपनी वालियां नूं फट पता लग जांदा है कि फलाने बंदे ने फलानी सिम वाले ने इन्ने पैसे की गल की है तो ये इन्ने पैसे कटने हैं, चाहे वह जमीन के अंदर बैठ के क्यों ना गल करे उन्होंने पता लग जाता है, चाहे किसी भी कोने में जाके गल कर लैन, नैट की वरतों कर लैन, उस सिम वाली कंपनी को पता लग जाता है कि इस बंदे ने इन्ने पैसों की गल की है। मेरे समझाने का मतलब यह है भी जे एक आम इंसान एक मोबाइल कंपनी बना के एक सिम की कंपनी बना के लखां लोगों नूं कनैक्शन दे के उन्हां लखां लोगों करोड़ों लोगों का हिसाब किताब रख सकता है, एडा वड्डा सिस्टम चला सकते ने एक आम इंसान, तो रब दे सिस्टम नूं तू की समझदा है? उस रब ने सारी दुनिया बनाई है कि रब नूं अपने बनाए हुए लोगों का नहीं पता भी किहड़ा किस वेले की सोच रहा है, किहड़ा किहड़ा पाप कर रहा है, किहड़ा नाम जप रहा है, किहड़ा किसी की जड़ां वड़ रहा है, किहड़ा किसी नूं सहारा दे रहा है, कौन उन्हें याद कर रहा है तो कौन विसार रहा है। जे एक सिम कंपनी सारा हिसाब किताब लखां करोड़ों का रख सकती है, एक आम इंसान सारे लोगों का वेरवा इकट्ठा कर सकता है, तो फिर रब दे बनाए हुए इस सिस्टम के उत्तों तुसीं अणजाण क्यों हो? कि रब दे विच इन्नी समर्था नहीं
जे रब का बनाया हुआ बंदा इन्ना सिस्टम चला सकता है तो सिस्टमां नूं बनाउण वाला उपर जिहड़ा सिस्टम रब का है फिर उहदे नाल अनजाण क्यों हो। इस करके महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने भी आख्या है घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। इस करके सज्जणा रब दे कोलों कुछ लुकिया नहीं कुछ छुपया नहीं वह तो सारयां दी जानदा है वह तो सारयां नूं बनाउण वाला सारयां दे विच ही समाया होया है। कित्थे कोई भज लवेगा उहदे कोलों कित्थे कोई पासे होके सोच लेगा उहदे कोलों। हो सकदा इह सवाल एक सज्जण दा ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।